The next question is 1.3. Determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% of iron and 30.1% of dioxygen by mass. ठीक है? Now empirical formula find करना है. Empirical formula मतलब the simplest formula which is formed by these two elements, that is iron and oxygen. अब iron की बात करें तो इसका symbol जो है Fe होता है और oxygen का symbol O होगा. Percentage of mass दिया हुआ है iron का, that is 69.9%. And this is 30.1%. Atomic mass जो है iron का, it is 55.85. आप exam में 55 ले सकते हो, ठीक है, इतना accurate लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 55.85, ठीक है. And then atomic mass of oxygen, oxygen का atomic mass कितना होगा, 16. अभी number of moles का formula, हमें number of moles का formula तो याद है, that is given mass upon मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास. यहाँ पर एटम की बात चल रही है तो आप एटॉमिक मास ले सकते हो. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन क्या होगा, गिवन मास, कितना मास दिया हुआ है, 69.9, और एटॉमिक मास कितना है, 55.85. अगर आपको सॉल्व करना है अप्रोक्सीमेटली, यू कुड टेक इट 70 एंड दिस यू कुड टेक एट 55, बिकॉज ऐसे डिविजन जो है बहुत हार्ड हो जाएगा. तो अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा आंसर क्या आएगा, 1.25, जो हमारे क्या आ गए, मोल्स, 1.25. ठीक है, वैसे ही आप जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने, O2, गिवन मास कितना दिया है, 30.1, और एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 16. अप्रोक्सीमेटली आप क्या ले सकते हो, 30/16, है ना. अवॉइड करो कि पॉइंट वगैरह नहीं रहे, तो हमारा जो आएगा दैट इज 1.88 आएगा. ठीक है, ना मोल्स तो मिल गए. अब सिंपल मोलर रेशियो, सिंपल मोलर रेशियो का मतलब क्या हो गया, दैट ये हो गया अपना 1.25 और ये अपना 1.88. इनमें से जो भी स्मॉलर नंबर है उनमें से हमें डिवाइड करना है. तो यहाँ पर 1.25 और 1.88 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 1.25. तो 1.25 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, 1.25 ऊपर भी और 1.25 इधर भी. ठीक है, आप डिवाइड करो कि यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, 1.5. ठीक है, तो कभी भी तुम्हारा मोलर रेशियो पॉइंट में आएगा तो उसको हमें जो है पूरे होल नंबर में कन्वर्ट करना है, राउंड फिगर करना पड़ेगा. तो 1.5 तो हम नहीं ले सकते कोई भी फॉर्मूला में, तो 1.5 का डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अगर आपने 1.5 का डबल किया है तो 1 का भी डबल करना पड़ेगा, 1 का डबल कर दो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक है, तो फाइनली Fe कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3. तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला.